बुरहानपुर में एक डॉक्टर की पिटाई का वीडियो सामने आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक डॉक्टर ने सरकारी एम्बुलेंस दौड़ा दी। एम्बुलेंस से बाइक सवार एक युवक को टक्कर लग गई, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसकर डॉक्टर को बुरी तरह पीटा। घटना रविवार रात करीब 11:15 बजे की है। बताया जा रहा है कि नेपानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर अंबर जोशी खुद एम्बुलेंस लेकर निकल गया। वह शराब के नशे में धुत था। केंद्रीय विद्यालय के पास एम्बुलेंस से उसने बाइक से अपने घर जा रहे युवक स्वप्निल महाजन को टक्कर मार दी। घायल को जिला अस्पताल बुरहानपुर ले जाने के लिए एम्बुलेंस में कोई ड्राइवर नहीं था। घायल के भाई रुपेश महाजन ने बताया कि स्वप्निल की हालत गंभीर है। हम लोग मेरे भाई स्वप्निल महाजन, जिसका आज लगभग 11:15 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर अंबर जोशी द्वारा एम्बुलेंस स्वयं चलाते हुए शराब का नशे में धुत होकर मेरे भाई का एक्सीडेंट किया, जिसे उन्होंने गंभीर चोटें आई है और गवर्नमेंट अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर द्वारा बताया गया कि गंभीर चोटें होने के कारण हम ब्रह्मपुर में ऑलिज हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, जिससे उसका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी स्थिति अभी भी दयनीय नहीं बनी हुई है और हमने उसकी सूचना FIR भी कर दी है उसकी, और इसलिए हम उपचार के लिए ब्रह्मपुर के ऑलिज हॉस्पिटल में आए हुए हैं। बुरहानपुर SP राहुल कुमार ने बताया कि टक्कर मारने वाले डॉक्टर अंबर जोशी के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि गुस्साए लोगों द्वारा अंबर जोशी की पिटाई करने पर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। जोशी करके जो सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे तो उनसे एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद में लोगों ने उनकी मार पिटाई भी काफ़ी की है, तो उसी तारतम्य में एक एक्सीडेंट का मामला डॉक्टर अंबर जोशी के खिलाफ में और जो मार पिटाई हुई है जिसमें उनको चोटें आई है उसमें एक मारपीट का मामला कायम किया है। बुरहानपुर से इमरान साहब की रिपोर्ट।